कह रहे हैं ऑरेंज पेंट इज़ मेड यूजिंग टू पार्ट्स ऑफ रेड टू वन पार्ट ऑफ येलो, ग्रीन इज़ मेड यूजिंग वन पार्ट ऑफ ब्लू टू 11 पार्ट ऑफ येलो. इफ़ इक्वल अमाउंट ऑफ ऑरेंज एंड ग्रीन आर मिक्स, व्हाट रेशियो ऑफ टोटल मिक्सचर इज येलो. यानी ऑरेंज बना दो रेड एक येलो से, ठीक है, और ग्रीन बना एक पार्ट ब्लू 11 पार्ट येलो से. तो अगर दोनों की इक्वल तादाद है ऑरेंज ग्रीन की, तो उसमें येलो का कितना पार्ट होगा? तो वो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, एक ब्लू और 11 येलो 12 यूनिट के बराबर है. ग्रीन दो रेड एक येलो, ये अभी सिर्फ 3 यूनिट के बराबर है. अगर 3 को मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 12 यूनिट हो जाएंगे. दोनों के 12 ले लो. तो देखो 2 4 8 रेड और 1 4 4 येलो, ये किस में होंगे? 12 यूनिट अगर ग्रीन के ले रहे हैं, और 12 यूनिट अगर हम ऑरेंज के ले रहे हैं, तो उसमें येलो कितना है? 11 है, एक ग्रीन है 11 येलो है. तो टोटल येलो कितने हो जाएंगे? 11 और 4 15, कितने में जनाब? 24 में. तो सीधी साधी बात है, 15 अपॉन 24 जो कि कट के आ जाएगा 5 अपॉन 8. ट्रिस्ट कवर अ डिस्टेंस ऑफ 0.8 माइल्स इन 1 मिनट ऑन अ फ्रीवे, व्हाट डिस्टेंस इन माइल वुड बी कवर इन 12 सेकेंड. 0.8 माइल कर रहा है 1 मिनट यानी 60 सेकेंड में. तो आपसे पूछ रहे हैं कि भाई 12 सेकेंड में कितना कवर करेगा? तो बड़ा आसान है, 60 को अगर 5 से डिवाइड करो तो 12 आता है. तो 0.8 को भी क्या कर दो? 5 से डिवाइड कर दो. आंसर 0.16 हो जाएगा आपका. और यहाँ पर जो ना क्वेश्चन है, एवरेज 3 नंबर्स 40 60 80 का 15 यूनिट मोर है एवरेज ऑफ 30 90 एक्स के, तो एक्स क्या होगा? 40 60 80 का एवरेज क्या होगा? 60. 15 ज़्यादा है तो इसका मतलब है 30 90, और एक्स का एवरेज कितना होगा? 45. भाई 60 में से 15 माइनस कर दो, 3 नंबर हैं तो नीचे क्या आएगा? 3. ये 3 उधर जाके 45 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 135. 30 और 90 का सम 120 उधर जाके माइनस हो जाएगा. ये वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी भाई? 15 आ जाएगी. इफ़ 1 पाउंड इज इक्वल टू 16 औंस, हाउ मेनी पाउंड्स आर देयर इन 10 औंस? एक पाउंड 16 औंस के बराबर है तो कितने पाउंड होंगे 10 औंस में? तो वही बात, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो. एक्स बराबर हो जाएगा 10 अपॉन 16. 10 अपॉन 16 का मतलब क्या होता है? 5 अपॉन 8. फिर इसी तरह कह रहे हैं, इफ़ ऑन अ मैप 1 इंच रिप्रेजेंट 8 माइल ऑफ अ सिटी, व्हाट एरिया ऑन मैप इन स्क्वायर इंच रिप्रेजेंट एन एरिया इक्वल टू 320 स्क्वायर माइल इन द सिटी? तो देखो, 1 इंच जब 8 माइल के बराबर है तो 320 स्क्वायर माइल. देखो बात स्क्वायर माइल की हो रही है, इसलिए यहाँ 8 से नहीं बल्कि 8 के स्क्वायर से डिवाइड करेंगे. 8 का स्क्वायर होता है 64, डिवाइड कर दो तो आंसर आपका आ जाएगा 5. ठीक है, याद रहे कि बात चूँकि एरिया की हो रही है इसलिए 8 नहीं, 8 के स्क्वायर से डिवाइड करें. बैग ऑफ राइस इज सफिशेंट फॉर अ ग्रुप ऑफ 8 फॉर 6 डेज, इफ 4 मोर पीपल जॉइन देम हाउ मेनी डेज विल द बैग ऑफ राइस लास्ट फॉर देम? तो ग्रुप ऑफ 8 8 लोगों के लिए 6 दिन तक था, तो 4 लोग और आ गए. 8 और 4 कितने हो जाएंगे? 12. अब कितने दिन तक चलेगा? तो देखो, जैसे जैसे लोग ज़्यादा होते हैं ये कम दिन के लिए चलता है. शुरू में 8 थे तो ये 6 दिन चला, अब 12 दिन हो गए, कितने दिन तक चलेगा हमें नहीं पता. इस 12 को उधर ले जाके डिवाइड कर दें, 12 और 6 कटेंगे. ठीक है भाई, 12 डिवाइड होगा ना 6 से कटेगा, 2 बचेगा, 8 अपॉन 2 आंसर हो जाएगा 4. फिर कह रहे हैं, 10 पेंटर्स कैन पेंट अ हाउस इन 50 डेज, इफ 10 मोर पेंटर ज्वाइन देन हाउ मेनी डेज विल इट टेक देम? शुरू में 10 पेंटर थे, ठीक है, तो कितने दिन चला था? 50 डेज चला था. अब मज़ीद 10 पेंटर आ गए, तो मज़ीद 10 पेंटर आने वाले पे क्वांटिटी डबल हो गई, तो डेज आधे होंगे. 50 का आधा कितना होता है? 25 दिन लगे.
द रेशो ऑफ रेड मार्बल्स टू ब्लू मार्बल्स इन अ बॉक्स इज 2:3। अभी ये रेशो 2:3 है। आफ्टर वी रिमूव 4 रेड मार्बल एंड एड 6 ब्लू मार्बल द रेशो बिकम 2:5। 4 रेड मार्बल हटा दिए, 6 प्लस कर दिए तो रेशो हो गया 2:5। वॉट वॉज द ओरिजिनल नंबर ऑफ मार्बल इन द बॉक्स, तो ओरिजिनल नंबर मार्बल के बॉक्स के कितने हो गए। तो 2:3 का मतलब क्या हो गया, क्या बात हो गई 20 और 30 की, क्या फर्ज करो 20 या 30 होगा रेशो। तो 2 और 3 5 यूनिट है, तो देखो 42 और 24 तो हो ही नहीं सकते, इसके आंसर क्यों 5 के टेबल में नहीं आ रहे। या तो 40 हो सकते हैं 60, पहले 40 को चेक कर लेते हैं। टोटल यूनिट 2 और 3 कितने हो गए 5, 40 को 5 से डिवाइड करो तो एक यूनिट 8 का है। अब देखो रेड 2 ब्लू 3, तो 8 2 16 और 24। अब रेड जो है वो 4 माइनस होने, ब्लू 6 ऐड अप होने, ये देखो लिखा हुआ है ना रेड 4, तो 16 में से 4 माइनस करो 12, 24 में 6 प्लस करो 30। क्या 12 और 30 का रेशियो 2:5 है, बिल्कुल है जी, तो इसका लगभग 40 आंसर है। हाँ अगर 40 से नहीं होता तो फिर मैं 60 को भी वैसे ही करता, 5 यूनिट से डिवाइड करता 12, तो 12 को 2 से मल्टीप्लाई करते 24 36, फिर 4 यहाँ माइनस 6 प्लस करके देखते तो ऑफकोर्स 2:5 का रेशो नहीं आता, वो किससे आ गया 40 से, तो ये हमारा आंसर। इफ द पेरीमीटर ऑफ द प्लॉट इज 34 feet एन एरिया इज 60 square feet फाइंड द लेंथ ऑफ द स्मॉलर साइड। ये कोई ऐसा प्लॉट है जिसकी चारों साइडों का सम तो मिला के 34 है, लेकिन स्मॉल साइड और लार्जर साइड यानी एरिया 60, यानी लेंथ को मल्टीप्लाई करें विद से तो कितना आ रहा है 60। अब स्मॉलर साइड पूछ रहे हैं, देखो दोनों का सम 17 है, 10 तो आंसर होने से ना, क्योंकि 10 17 में से 10 माइनस करो तो 7, लार्जर साइड थोड़ी है स्मॉलर ना 12 हो सकता है, क्योंकि अगर स्मॉलर साइड 12 है तो क्या लार्जर साइड 5 होगी। क्योंकि देखो पेरीमीटर का ये फार्मूला होता है, 2 को डिवाइड कर लो 34 से, इसका मतलब लेंथ प्लस 17 आ रही है, क्या 5 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि अगर स्मॉलर साइड 5 है और लार्जर साइड 12 है तो सम 17 आ रहा है, लेकिन एरिया भी 60 आना चाहिए। क्या 5 और 12 का प्रोडक्ट 60 है, बिल्कुल है जी, यही आंसर हो जाएगा हमारा 5। 8 क्यों नहीं हो सकता, अगर स्मॉलर साइड 8 होती तो लार्जर 9 होती, सम 17 होना चाहिए, लेकिन 8 और 9 का प्रोडक्ट जो है वो 72 होता है, 16 नहीं होता, तो ये भी नहीं हो सकती थी आंसर। 4 फिल वेट ओनली 10 पैसा एंड 25 पैसा कंटेन अ टोटल ऑफ 42 कॉइन, द वैल्यू ऑफ ऑल द कॉइन्स इन द 4 इज रुपीज 7.5, हाउ मैनी 25 पैसा आर इन द 4। तो भाई टोटल जो 10 और 25 पैसा मिला के सिक्के हैं 42 सिक्के। अच्छा 10 पैसे वाले को हमने मान लिया x, 25 पैसे वाले को मान लिया y, तो हमसे 25 पैसे वाले की तादाद ऑप्शन दिया है 25 18 22 20। अब मैं डिफरेंट ऑप्शन चेक करके तक करता हूँ, फर्ज करो मैं ये 25 पैसे वाले 20 ले लेता हूँ, तो टोटल 42 सिक्के, 42 में से 20 माइनस करो तो ये x वाले बनेंगे 22, आए x की जगह 22 रख के टुक रहते हैं। 10 पैसे को मैं 1/10 रुपीज़ में तो लिख सकता हूँ, इसमें वाई की जगह हमने 20 रख के देखा, 25 पैसे को 1/4, तो यहाँ से 2.2 + 5 ये तो 7.5 नहीं आ रहा, तो भाई ये आंसर तो नहीं हो सकता ये वाला ऑप्शन। अब हम वाई 22 रखेंगे तो ऑफकोर्स एक्स क्या हो जाएगा भाई 20 हो जाएगा, तो भाई यहाँ हमने 22 रखा और यहाँ 20 रखा, 20 को जब 10 से डिवाइड किया तो भाई ये तो आ गया 2, 22 को जब 4 से डिवाइड किया 5.5, 2 और 5.5 का सम 7.5 होता है, बिल्कुल होता है जी, तो ये वाला आंसर करेक्ट हो गया। सिंपल सी बात है, ऑप्शंस की मदद से चेक करिए, और ये काफ़ी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।